लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। आइए खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले चलते हैं आसनसोल, जहां ईसीएल कारखाने के कर्मचारियों के भूख हड़ताल का सोमवार को आठवां दिन था। इस दौरान कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि हालात बिगड़ने पर 5 ईसीएल कर्मचारियों की सुध लेने वाला कोई नहीं आया। आसनसोल दुर्गापुर अधिकार संगठन द्वारा निजी सुरक्षा गार्डों को फिर से काम पर वापस लिए जाने की मांग पर जारी भूख हड़ताल के आठवें दिन सोमवार को सुरक्षा गार्डों ने ईसीएल मुख्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पांडेश्वर, सोधपुर, केंदा, मुगमा सहित अन्य क्षेत्रों के सैकड़ों की संख्या में निजी सुरक्षा गार्ड शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिला शासक ने 28 अगस्त तक निविदा जारी करने का निर्देश ईसीएल प्रबंधन को दिया था। सोमवार को अवधि की समाप्ति पर भी ईसीएल द्वारा निजी सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति को लेकर निविदा जारी नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भूख हड़ताल पर बैठे सुरक्षा गार्डों में से 5 की हालत बिगड़ने पर भी अभी तक ईसीएल प्रबंधन या प्रशासन की ओर से कोई सुध नहीं ली गई है। আমরা 1 তারিখ থেকে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। ভয়ঙ্কর বৃষ্টির মধ্যে এর আগে 14 দিন ধর্ণা হয়েছে। আমরা যদি মরেও যাই তাতে আমাদের কাজ আমাদের চাই। 22 সরাসরি যতক্ষণ কাজ হচ্ছে ততক্ষণ অবসর আমরা তুলব না। ম্যানেজমেন্ট বলেছিলেন যে 12 তারিখের মধ্যে 12-13 আগস্টের মধ্যে টেন্ডার বেরিয়ে যাবে এবং প্রত্যেকে কাজ ফিরে পাবে। যাদের কাজ বন্ধ তারা অনশনে বসেছে। আমরা চাই সবাই যেন কাজ আমরা ফিরে পাই, তার জন্য আমরা আজকে 8 দিন অনশনে বসেছি। এখন পর্যন্ত ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে কোনো আমাদের কাছে কেউ এখন পর্যন্ত মানে খোঁজ খবর দিতে আসে নাই। माँ द्वारा डांटे जाने के बाद एक 28 वर्षीय ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कुछ वर्षों पहले उसके पिता का भी देहांत हो चुका था। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में मातम पसरा हुआ है। हुगली जिले के चुचुड़ा थाना इलाके के बंडेल के रहने वाले ट्रांसपोर्ट के व्यवसायी 28 वर्षीय हनी सिंह ने रविवार की देर रात अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कुछ दिनों बाद ही उसकी शादी होने वाली थी। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार युवक का अपनी मां मिनी चावला के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, इसी कारण उसने गुस्से में आकर यह कदम उठा लिया। कुछ वर्ष पहले ही उसके पिता का देहांत हो चुका था। स्थानीय लोगों की मदद से संगीन हालत में उसे इलाज के लिए कोलकाता के गैर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई। इस बारे में चंदन नगर पुलिस ने बताया कि पुलिस इस मामले में शिकायत दर्ज कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मृतक ने जिस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है वो लाइसेंसी है या नहीं। किस लिए ऐसा किया वो पता है कुछ? नहीं नहीं, हमको नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। हम तो बाहर से आए, हम तो यहाँ थोड़ी रहते हैं, हमको मालूम चले है कि नहीं। जो यहाँ पर रहता है उन लोग को पता चलेगा। लड़का बहुत अच्छा है। ব্যবসা দেখুন, ব্যবসা তো টুরিস্ট ব্যবসা আগের মতো নেই, কিন্তু সেরকম যে এমন ক্ষতি বা এমন অবস্থা যে এরকম করতে হবে সেরকম তো নয়। আমি ওটা আমি তো শুনে নিজেই অবাক। আমি বলতেন শুনিও নি যে ওর কাছে বন্ধুক এই আছে, এই সব কিছু আছে। ও বন্ধুক ক্যারি করতে বলে আপনারা জানেন না? না, আমি কোনোদিন শুনি না, আমি কারো কাছে শুনিও না। हावड़ा के खाली पड़े घर में हुई दुस्साहसिक चोरी से इलाके में हलचल मच गया। बताया जा रहा है कि चोरों ने उस घर को खाली होने के बाद ही अपना निशाना बनाया था। हावड़ा हासखाली के नूतनपाड़ा इलाके के सोकेन बाई लेन स्थित एक घर में हुई दुस्साहसिक चोरी की घटना घटने से इलाके में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि चोर घर के तालों को तोड़कर घर में दाखिल हुए और कीमती सामान, गहने व रुपए लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि खाली घर देखकर ही चोरों ने इस घर को अपना निशाना बनाया। इस घटना की जानकारी नजीरगंज थाने को दी गई। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।